श्रीमती जी और उम्मीदवार। किशोर, चाय तैयार है। आज चाय अच्छी बनी है। अच्छा शीला, मैं ऑफिस चला। कौन आ टपका? नमस्ते बहन, मैं आपके इलाके से चुनाव लड़ रहा हूँ। आप अपना कीमती वोट। जरा रुकिए, बैक डोर पर कोई आया है। नमस्कार, मैं आपके क्षेत्र का चुनाव उम्मीदवार हूँ। अपना कीमती वोट मुझे ही। तू भ्रष्ट इंसान, तू तो स्मगलर है। यह घोटाले करता है, यह चंदे के पैसे खा जाता है। मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। मैं तेरे दांत तोड़ दूंगा। रुकिए, आप दोनों के बारे में मुझे पता चल गया है। आप दोनों में से कोई भी मेरे वोट का हकदार नहीं है। श्रीमती जी और खिड़की, क्या पढ़ रहे हो? वैज्ञानिक लेख लिखा है, पृथ्वी फुटबॉल की तरह है। सफेद झूठ, अगर बॉल की तरह होती तो अब तक हम लुढ़के क्यों नहीं? उपग्रह से मौसम का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। तभी मौसम विभाग की सूचनाएं अक्सर गलत निकलती हैं। तुम्हें पता है सूरज रात में क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि सूरज की मॉर्निंग शिफ्ट में ड्यूटी होती है और चांद की नाइट में। तुम्हारी बुद्धि को देखकर लगता है कि मैं दीवार में सिर मार लूं। किचन की साइड वाली दीवार में मारना, मैं वहाँ एक खिड़की निकलवाना चाहती हूँ। ओहो, मैं छत पर जाकर अखबार पढ़ता हूँ। श्रीमती जी और चेंज, गोगी, मैंने अजय को तुमसे शादी के लिए राजी कर लिया है। वो यहाँ तुमसे मिलने आने वाला है। शीला, तुम मेरी सच्ची ही तैशी हो। लो, वो आ गया। अजय, तुम्हारी तो मूछे हैं, लेकिन मुझे क्लीन शेव नौजवान अच्छे लगते हैं। कितना अच्छा हो अगर तुम मूछे साफ करा लो तो। काश तुम्हारे बाल घुंघराले होते, क्यों नहीं तुम बालों की प्रमिंग करवा लेते। तुम्हारा कद कुछ छोटा है, तुम आज से ही हाई हील शूज पहनना शुरू कर दो। तुम चश्मा लगाते हो, क्यों नहीं तुम आई लेंसेज लगवा लेते। गोगी, इतने सारे चेंजेस करने की बजाय एक चीज बदलना बेहतर रहेगा। क्या? मैं शादी के लिए लड़की बदल लेता हूँ। श्रीमती जी और नीम, मैं इस समस्या से कैसे निपटूंगी? शीला और आमी, तुम परेशान लग रही हो। शीला, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम कई दिनों से सोई नहीं हो। हाँ, मुझे लोगों का 10,000 रुपए का उधार चुकाना है। इसी चिंता में मुझे 4 दिन से नींद नहीं आ रही। तुम मेरे पास क्यों नहीं आई? क्या तुम्हें पता नहीं, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। सच? क्या तुम मुझे 10,000 रुपए दे देती? नहीं, मैं तुम्हें नींद की गोलियां दे देती। बेचारा पति। डॉक्टर, मेरी पत्नी को क्या हुआ है? शीला को टाइफाइड हुआ है, इसे कंप्लीट बेड रेस्ट चाहिए। किशोर, बीवी का ख्याल रखना। कुछ दिन तुम्हें घर का सारा काम करना पड़ेगा। मैं मैनेज कर लूंगा। लो, तुम्हारे लिए चाय और नाश्ता। शीला, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। किशोर, सुबह सुबह इतने सारे काम करके तुम पजल हो गए हो। वह कैसे? तुम बिना पैंट पहने ऑफिस जा रहे हो। शीला और मंगतो। मंगतो, चाय और ऑमलेट बना दो। घर में न तो दूध है न ही अंडे। किसी पड़ोसन से मांग लाओ। अभी लेकर आती हूँ। शीला, कैसी हो? मुझे एक गिलास दूध और 4 अंडे उधार दे दो।
मंगतो, तुम पिछले हफ्ते भी दूध और अंडे ले गई थी। उससे पहले तुमने चीनी और चाय पत्ती ली थी। मैं तुम्हारे उधार की सारी चीजें लौटा देती, लेकिन क्या करूं? पड़ोसिन रानी मायके गई है। रानी के मायके जाने से उधार की चीजों का क्या ताल्लुक? अगर रानी यहाँ होती तो मैं उससे अंडे, दूध, चीनी, पत्ती उधार लेकर तुम्हें लौटा देती।